नमस्कार, मैं हूं रेश शुभ। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पर। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज, लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। सो सरकार के साथ समझौता होने के बाद एक साल से जारी किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है और किसानों ने दिल्ली बॉर्डर खाली कर दिया है। जी हाँ, हालांकि मैं आपको बता दूं कि भले ही किसान लौट गए हों, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर फिलहाल ट्रैफिक शुरू नहीं होने जा रहा है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज द NHAI ने कहा है कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर और नेशनल हाईवे 44 पर सिंधु बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले करीब एक साल से बंद थे और इन्हें फिर से चालू करने में कुछ और दिन लगेंगे और ये जनवरी में ही फिर से ट्रैफिक के लिए खोले जा सकेंगे। जहां NHAI के मुताबिक किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी कुछ पक्के बैरिगेड बना दिए थे और उन्हें हटाने में वक्त लग रहा है। साथ ही इन्हें हटाने के बाद पूरे इलाके का निरीक्षण किया जाएगा और इसी के बाद इन्हें आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा। जहां NHAI के अधिकारी ने कहा है कि NH24, NH9 और NH44 पर दोनों तरफ के हिस्सों के निरीक्षण का कार्य 15 दिसंबर के बाद से शुरू होगा और किसानों ने आज ये बॉर्डर पूरी तरह खाली कर दिया है और NHAI की टीमों यहां काम में लग गई हैं। जो अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद दोनों तरफ के हिस्सों को पूरी तरह साफ करने में 2 हफ्ते का समय लगेगा ही लगेगा। NHAI के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि किसान जब दोनों तरफ के हिस्से से पूरी तरह हट जाएंगे, तब उसके बाद निरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। जब हमारी टीम NH के नष्ट हुए हिस्सों का निरीक्षण करेगी और इसके बाद इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू होगा और नए साल से लोग इस पर सफर कर सकेंगे। सुधर किसान आंदोलन की सफलता के बाद राकेश टिकैत 383 डेज बाद बुधवार को घर वापसी कर सिसौली पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए सिसौली को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। राकेश टिकैत ने भी सिसौली में एक पंचायत कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है और राकेश टिकैत पहले खाप मुखाले सौराम की चौपाल, उसके बाद हड़ौली और फिर सिसौली पहुंचेंगे। जहां कृषि कानूनों के विरोध को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ एक साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे। जी हाँ, जब उन्होंने प्रण लिया था कि कानून वापस होने पर ही वह घर वापसी करेंगे, जहाँ आंदोलन के चलते वे मुजफ्फरनगर में पंचायत में आए लेकिन घर नहीं आए और अब केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। जहाँ मैं आपको बता दूं कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब एक साल तक प्रदर्शन करने के बाद किसानों का आंदोलन हाल ही में खत्म हुआ है और हजारों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर जमे थे, वो अब धीरे धीरे अपना सामान समेट कर घर की तरफ जाने लगे हैं। 29 नवंबर को केंद्र सरकार ने संसद की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर उन्हें रद्द कर दिया था। सो ये तो थी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।